नमस्कार, मैं सुनीता, अपने चैनल इंजी किचन रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई सोयाबीन की ऐसी सब्जी जिसके आगे नॉनवेज भी फेल है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी नई रेसिपी। सोयाबीन बनाने के लिए यहाँ हमने सोयाबीन लिए, यहाँ एक कटोरी लिए, वजन में ये 100 ग्राम है। तो इसको डाल देंगे एक बड़े बाउल में। अब सोयाबीन में हम गर्म गर्म पानी डाल देंगे और आधा घंटा के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। हम यहाँ देखिए, हमारे सोयाबीन को रखे हुए 15 से 20 मिनट हो गए। हमारी सोयाबीन भी देखिए कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। ये देखिए। अब हम इसका सप्पा पानी निकाल देंगे, अच्छे से निचोड़ कर इनको पानी से अलग कर लेंगे। तो अच्छे से निचोड़ लेते हैं, इस तरह से निचोड़ कर अलग प्लेट में निकाल लेंगे। सारी सोयाबीन को इसी तरह से निचोड़ लेंगे। ये देखिए, हमने सारी सोयाबीन को निचोड़ कर अलग कर लिया है। अब चलते हैं, पहले इनको फ्राई कर लेते हैं। सोयाबीन को फ्राई करने के लिए हमने गैस पर एक कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में डालेंगे 3 टेबलस्पून तेल। यहाँ हमारा तेल गर्म हो गया है, तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देंगे। अब धीमी गैस पर हम अपनी सोयाबीन को डाल देंगे। हमें अपनी सोयाबीन को धीमी गैस पर ही फ्राई करना है। बस अब इसे लगातार चलाते हुए हम सोयाबीन को फ्राई कर लेंगे। यहाँ हम अपनी सोयाबीन को और भी चटपटी बनाने के लिए इसी समय एक चम्मच डाल देंगे चाट मसाला, जिससे कि हमारी जो सोयाबीन है खाने में फीकी फीकी ना लगे। और इस तरह से पहले डाल देंगे तो उसके अंदर तक फ्लेवर चला जाएगा और हमारी सोयाबीन और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। तो हम इसको चाट मसाले को डालकर इसको फिर से भून लेते हैं। हल्का हल्का सा स्पॉट आ रहा है, इतना ही हमें भूनना है। तो इसको हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे। ये देखिए, धीमी धीमी आंच पर हमने कितने अच्छे से फ्राई कर लिया। धीमी आंच पर ये अच्छे से फ्राई हो जाती है, चिपकती वगैरह नहीं है और अच्छे से फ्राई भी हो जाती है। ये देखिए, और थोड़ा सा हम इसको और भून लेते हैं अभी। और यह हमारी सोयाबीन अच्छे से फ्राई होगी तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब इनको हम पहले ठंडा कर लेंगे अच्छे से। यहाँ हमारी सोयाबीन ठंडी हो गई है तो इसको डाल देंगे एक बाउल में। इसमें डाल देंगे एक कप के करीब दही। ये मेरी थोड़ी ज़्यादा है तो मैं थोड़ी कम करके डाल रही हूँ, आप एक कप के हिसाब से डालना। अब हम इसमें डाल देते हैं मसाले। अब इसमें डाल रहे हैं हम कुछ मसाले। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भरकर धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर। सब्जी में एक अच्छा सा कलर है उसके लिए डाल रहे हैं 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। और यहाँ डाल रहे हैं स्वाद अनुसार नमक। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच कसूरी मेथी, जिसको मैंने तवे पे थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था। तो इस तरह से हाथों से क्रश कर देते हैं और उसके बाद इसमें डाल देते हैं। अब सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। यहाँ मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हम इसे ऐसे छोड़ देते हैं और चलते हैं पहले सब्जी बना लेते हैं। अब हम सब्जी बना लेते हैं। सब्जी बनाने के लिए वही कढ़ाई ले लिए, उसमें डाल देंगे 2 बड़ा चम्मच तेल। यहाँ हमारा तेल गर्म हो गया है तो इसमें डाल देंगे पहले हम तेज पत्ता और कुछ खड़े मसाले डाल देंगे। 1 दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 3 लौंग। अगर आप और भी कुछ डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो पहले तेल में डाल देते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1 इंच अदरक के टुकड़े को इस तरह से बारीक बारीक काट दिया। 4-5 लहसुन की कलियाँ को बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। और धीमी गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। मीडियम आंच पर हम सब चीज़ों को पकाएंगे। तो हम पहले अच्छे से लहसुन को और अदरक को भून लेते हैं। यहाँ देखिए, लहसुन भी और अदरक भी दोनों अच्छे से भुन गए हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे, यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज को पीस लिया था। आप चाहे तो इसको बिल्कुल बारीक बारीक भी डाल सकते हैं काट के। अब हम इसको मीडियम आंच पर प्याज को अच्छे से भूनेंगे जब तक कि प्याज हमारी ब्राउन ना हो जाए।
या मीडियम आंच पर हम लगातार अपनी प्याज को चलाएंगे, जिससे कि वो आसानी से जल्दी से भुन जाए। ये पिसी हुई प्याज है तो थोड़ा सा टाइम लेगी भुनने में, तो इसको इसी तरह से मीडियम आंच पर भुनेंगे तो ये अच्छे से भुन जाएगी। यहाँ देखिए हमने प्याज को कितने अच्छे से भून लिया है, इतनी ही प्याज भूनी है, नहीं तो हमारी प्याज अगर इसे कम भूनी तो फिर सब्जी मीठी मीठी लगेगी। अब हम इसमें डाल देंगे तो टमाटर को मैंने इस तरह से पीस लिया है, टमाटर को भी हम अच्छे से भून लेंगे जब तक कि तेल अलग ना हो जाए। इसमें गैस की फ्लेम मीडियम में रखेंगे, मीडियम आंच पर ही हम टमाटर को अच्छे से भूनेंगे। यहाँ देखिए हमारा टमाटर भी भून गया है, तेल अलग कर दिया है तो हमारा टमाटर भुन गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे अपनी सोयाबीन जो हमने रखी हुई थी सब मसालों में मिलाकर, तो उसको डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी इसमें डालकर इसको भी डाल देंगे, थोड़ा सा ही पानी डालेंगे। अब हम सोयाबीन को भी प्याज और टमाटर के साथ भून लेंगे, गैस की फ्लेम मीडियम में रखेंगे, मीडियम आंच पर हम अच्छे से भूनेंगे इसको। यहाँ देखिए हमारी सोयाबीन भी अच्छे से मसाले में भून गई है, इसको मैंने 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया था लगातार चलाते हुए। तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी, जितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप पानी डाल दें। तो यहाँ मैं 1 गिलास पानी डाल रही हूँ और इसको मिक्स कर देंगे। यहाँ मैंने सोयाबीन को अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हम इसे ढककर 5 से 7 मिनट के लिए पका लेते हैं मीडियम आंच पर ही। ये हमारी सब्जी को पकते हुए 5 मिनट हो गए तो देख लेते हैं। ये देखिए हमारी सब्जी बन गई है, इतना पानी रखेंगे हम क्योंकि बाद में ये ठंडी होने के बाद सोयाबीन ये जितना भी पानी है सारा पी लेगी, तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे हम और इसे थोड़ी देर के लिए ढक के रख देते हैं। ये हम अपनी सब्जी को देख लेते हैं, ये देखिए कितनी अच्छी बनी है ना हमारी सब्जी। अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला, 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल देते हैं और ऊपर से डाल देते हैं हरा धनिया और इसको मिक्स कर देते हैं। ये देखिए लग रही है ना ये नॉनवेज से भी ज़्यादा बढ़िया। तो बस अब इस चीज़ों हरे धनिया को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हम इसको सर्व करके दिखाते हैं आपको, ये देखिए हमारी सोयाबीन की स्वादिष्ट सब्जी, ये हमारी सोयाबीन की स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार हो गई है।